आज डाउटनेट आप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो एवरीवन, हमारा प्रश्न दिया हुआ है, निम्न में से कौन सा पदार्थ ब्रोमाइड आयन के जलीय विलयन में Br2 को विस्थापित करेगा, Cl2, Cl- I2, I3-। तो देखो, अगर Br हमारे पास क्या है, ब्रोमीन है, ठीक है, ब्रोमीन आयन है, सपोज कर लो ये ब्रोमीन आयन है, ये अगर अपने से अधिक क्रियाशील और धातु से रिएक्ट करेगा तो क्या करेगा, अपने से अगर इस ग्रुप की बात करें तो फ्लोरीन क्रियाशील है, फ्लोरीन फिर क्लोरीन, ठीक है, फ्लोरीन अधिक क्रियाशील होना चाहिए, उसके बाद फिर उससे भी ज्यादा क्रियाशील कौन होगा, क्लोरीन, उससे भी कम क्रियाशील होगा ब्रोमीन, उससे भी कम क्रियाशील होगा आयोडीन। तो क्लोरीन बहुत अधिक विद्युत ऋणात्मक होता है तो इसका इस्तेमाल नहीं किया जाता है। तो अगर अपेक्षा करें तो क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन में क्लोरीन अधिक क्रियाशील है, ब्रोमीन कम क्रियाशील है और आयोडीन उससे भी कम क्रियाशील है। तो ब्रोमीन अगर आयोडीन से रिएक्ट करेगा तो ब्रोमीन विस्थापित नहीं होगा, ब्रोमीन आयन अगर आयोडीन से अगर अभिक्रिया करता है, ठीक है, तो वो विस्थापित नहीं होगा। और वहां पर क्यों नहीं होगा, क्योंकि कम क्रियाशील और धातु जो होता है अपने से अधिक क्रियाशील और धातु को विस्थापित नहीं कर सकते हैं, क्या आयोडीन से रिएक्ट करके ऐसा नहीं कर सकता, तो ये इसको किससे रिएक्ट करना होगा, क्लोरीन से रिएक्ट करना होगा। तो ये जब Cl2 से रिएक्ट करता है तो ये क्या करेगा, 2Cl- बन जाएगा और साथ में Br2 रिलीज होगा। तो ये क्यों हुआ, क्लोरीन के साथ अभिक्रिया हुआ, क्योंकि अधिक क्रियाशील और धातु, अधिक क्रियाशील और धातु अपने से कम क्रियाशील, अपने से कम क्रियाशील और धातु को, क्रियाशील और धातु को विस्थापित कर देते हैं और धातु को विस्थापित कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये क्लोरीन ऐसा कर सकेगा, और क्लोरीन माइनस आयन क्यों नहीं कर सकता, तो अगर ब्रोमीन आयन है और ये भी आयन के फॉर्म में आएगा तो ये रिएक्शन नहीं करेगा, ठीक है। अगर ये रिएक्शन करेगा भी तो ये ब्रोमीन आयन में ही कन्वर्ट होगा, ना कि ब्रोमीन में, ठीक है, ये ब्रोमीन आयन में कन्वर्ट हो जाएगा ना कि ब्रोमीन में। तो ये ऑप्शन 1 हमारा सही है, दूसरा ऑप्शन गलत होगा, आयोडीन से ये रिएक्ट नहीं कर पाएगा क्योंकि आयोडीन कम क्रियाशील है तो वो ब्रोमीन को विस्थापित नहीं करेगा और I3 से भी नहीं हो सकता। तो हमारा जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा Cl2। आशा है कि आपको समझ में आया होगा। दैट्स ऑल, थैंक यू। कक्षा 6 से 12 से लेकर नीट, IIT, JEE, वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400400400 पर।